उधर थानेसर से कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा ने दरअसल आजादनगर में प्रचार किया और अपने पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान अशोक अरोड़ा की मौजूदगी में बीजेपी नेता आलोक शर्मा ने कांग्रेस का दामन थामा और अपने समर्थकों के साथ अशोक अरोड़ा को समर्थन दिया। अशोक अरोड़ा ने कहा कि उनका जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है, समाज के हर वर्ग उनके साथ है और इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आज हमारा अजीज है भाई है छोटा आलोक शर्मा, आज ये बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुआ है। ऐसे तो हमारा परिवार है, हम की विचारधारा से बीजेपी में थे और आज कांग्रेस में शामिल हुए, मैं इनका स्वागत करता हूँ और पूरा विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस में पूरा अपना सम्मान होगा और कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा में बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और उसमें आज हमारे भाई ने कांग्रेस की नीति है उनमें विश्वास है और हम अब दिल जान से अपनी पूरी मेहनत के साथ उनको विधायक जी बनाएंगे यहाँ का। अशोक राव जी,